पैन कार्ड का नंबर पता करने के लिए फ्रेंड आपको सिंपली incometax.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट में आ जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब जैसे यहां से आएंगे फ्रेंड तो यहां से देख सकते हैं आपको इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। और यहीं से नीचे आएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे वेरीफाई करने के लिए, आधार से लिंक करने के लिए। यहीं से एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है फिर नाउ योर टैन डिटेल्स, आपको सिंपली नाउ योर टैन डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा, जहां से देख सकते हैं टैन के यहां से आपको नाम आ जाता है। और यहां से नीचे आएंगे तो पूछा जाएगा यहां से देख कैटेगरी आप यहां से डेडिकेटर, तो आपका अगर जैसे देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर यहां से देख सकते हैं लोकल बैंडीज कंपनी है। अगर आप खुद का इंडिविजुअल पैन कार्ड है तो आपको इंडिविजुअल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको अपने ऐसे नेम देना है, फुल नेम जो आपके पैन कार्ड में था। इसके बाद आपको अपने स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और मोबाइल नंबर आपको यहाँ से फिल करना है। फिर इसके बाद फिर आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फिर जो आप यहाँ से मोबाइल नंबर देंगे, उस मोबाइल नंबर में एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आप यहाँ से डालेंगे एंड वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। अगर फिर किसी कारणवश OTP नहीं आ पाता तो रिसेंट OTP का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली रिसेंट करना है। तो मेरे पास OTP आ गया है, मैं यहाँ से वैलिडेट करता हूँ। अब जैसे फिर आप वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं वेरीफाई हो गया, अब टैन डिटेल भी आ चुका है। तो ये पेज 10 पेज की लिस्ट है, यहाँ से देख सकते हैं आपको इस प्रकार से नाम आएगा, जहाँ से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके नाम क्या रहेगा, जहाँ से देख सकते हैं आपको दिखाया जाता है किस किस का है, यहाँ से इंदौर सिटी है तो आप इनमें से देख सकते हैं जिस भी सिटी अगर आप रहेगा, यहाँ से देख सकते हैं सिटी से हैं अगर वो है, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर तो यहाँ से देख सकते हैं और डिटेल आ जाएगी, जहाँ से आप अपना यहाँ से टैन नंबर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड आप यहां से टैन नंबर और अपना पैन कार्ड नंबर यहां से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहां से अपने पैन कार्ड को नंबर का पता कर सकते हैं। इसके अलावा और डिटेल देखनी हो तो और डिटेल भी यहां से देख सकते हैं, जहां से देख सकते हैं एरिया कोड क्या है, AIO क्या है, इसके अलावा रेंज कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस भी अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो एड्रेस भी देख सकते हैं। नाम क्या रहेगा फैन, तो आप अपना यहाँ से नाम देख सकते हैं। कैटेगरी आप यहाँ दिया जाएगा, तो एक तरीका है फैन आप अपने यहाँ से देख सकते हैं पैन कार्ड का नंबर भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरे तरीका की बात करूँ फैन, तो वो भी बहुत ही आसान तरीका है। तो इस प्रकार अगर आपका पैन कार्ड का नंबर मिल जाए तो आप अपने यहाँ से पैन कार्ड के नंबर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका बताने से पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आप अपने टैन या फिर पैन नंबर को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो वेरीफाई योर पेन पे क्लिक करना है फ्रेंड, यहाँ से आएंगे तो जैसे वेरीफाई योर पेन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे फ्रेंड आप वेरीफाई योर पेन पे क्लिक करेंगे तो पूछा जाएगा आपको अपने यहाँ से पेन, तो अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ टाइप करेंगे, फुल नेम यहाँ टाइप करना है और डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड जैसे आप यहाँ से कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर इस प्रकार आ जाएगा, और यहीं से मिल जाता है ईयर सेलेक्ट करने के लिए, आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर इसके पीछे का ईयर है तो आप यहाँ से बैक भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ से ईयर आएगा तो आप इस ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी मंथ की रहेगी आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, इस प्रकार तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आपको अपने यहाँ से देख सकते हैं पैन कार्ड का नंबर डालना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड आपके नंबर में फिर से एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP डालेंगे, नहीं आता तो रिसेंड करेंगे, अगर OTP आ जाता है तो आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से फिर देख सकते हैं अगर आपका पैन कार्ड रहेगा जो कि आप यहाँ से इस प्रकार, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा जाएगा पैन कार्ड इज एक्टिव बट डिटेल आर नॉट मैच एज पैन। तो फिर यहाँ से कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पैन कार्ड इस यहाँ से ई पोर्टल से बना रहेगा ई फिलिंग की, तो यहाँ से आपको ये वेरीफाई मैच दिखाएगा, लेकिन फिर अगर आपका कहीं और से बना देख सकते हैं बोला जाएगा जो आपका पैन नंबर एक्टिवेट है, यानी जो आपने पैन कार्ड का नंबर डाला वो सही है, बट डिटेल आर नॉट एज पैन, यानी कहने का मतलब ये फ्रेंड कि अगर आपकी ई फिलिंग साइट से नहीं बना रहेगा तो इस प्रकार आ जाएगा आपका पैन के स्टेटस यहाँ से वेरीफाई हो चुका है। अब इसके बाद मैं दूसरे तरीका की बात करूँ फ्रेंड, तो दूसरा तरीका ये है फ्रेंड कि आपको एक नंबर मिलेगा जहाँ से आप ये नंबर देख सकते हैं, आप इस नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर क्या है फ्रेंड, तो 1800180961 आप इस नंबर पे कॉल करके अपने पैन कार्ड का नंबर पता कर सकते हैं।
पैन कार्ड का नंबर पता करने के लिए सिंपली रहता है क्या फ्रेंड कि आपको यहाँ से डालना जिनमें से अपना डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड का नंबर, सॉरी यहाँ से अपना नाम, ये सारी चीज़ें बताएंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा अपने पैन कार्ड का नंबर। सो फ्रेंड ये है दो जेन्युइन तरीका जिससे आप अपने पैन कार्ड का नंबर को पता कर सकते हैं। जब फ्रेंड आपके पैन कार्ड का नंबर पता चल जाए तो इसके बाद आप पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपका पैन कार्ड NSDL की साइट से बना है तो आप यहां से आके डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें अगर आपके पैन कार्ड के बने 30 दिन से ज़्यादा हो गया फ्रेंड तो आपको यहाँ से 8.26 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा और आधार कार्ड के जैसे PDF में सेम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड आप डाउनलोड कैसे करेंगे इसका डिटेल में वीडियो चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप UTI से पैन कार्ड बनवाए हुए हैं तो उसे आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें भी फ्रेंड अगर आपका 30 डेज से प्लस बना हुआ है तो 8.26 रुपये का यहाँ से चार्ज पे करना पड़ेगा। और फिर अगर आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स से बना है तो आप यहाँ से इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट में आकर पैन कार्ड को अपने यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार फिर आप यहाँ से देख सकते हैं अगर अपने पैन कार्ड का नंबर आप भूल जाते हैं तो पैन कार्ड का नंबर भी पता कर सकते हैं। दो तरीका मैंने बताया जो कि एक जेन्युइन तरीका जहाँ से अपने पैन कार्ड का नंबर पता कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, साथ में रीजन दें ताकि हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करें। और फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ से इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉलो करें। मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली लाता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इस तरीके से एक नॉलेजेबल टॉपिक के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।